ओके तो आज हमको एक्सेल के बारे में पढ़ना है। एक्सेल में हमें क्या पढ़ना था? एक्सेल में इसको इनिशियल करें पहले। तो सो वी वाज इन द यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट के बारे में हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली थी। लाइक इन लास्ट डे हमने क्या सीखा? हमने सीखा हाइट अनहाइट और फ्रीजिंग ऑफ रोज। ये कल हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पेज ब्रेक को सेट करना और पेज लेआउट को सेट करना सीखेंगे कि आप एक्सेल से कैसे किसी पेज का प्रिंटआउट निकालने के लिए आप पेज ब्रेक का यूज क्या होता है प्रिंटआउट निकालने के लिए, तो आप कैसे भी इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं और कैसे आप पेज ब्रेक को सेट कर सकते हैं। सो लेट अस मूव टू दिस पॉइंट। ओके बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ा था हाइड एंड हाइड करने के लिए क्या करते हैं। और ये मैंने एक्टिविटी आपको होमवर्क में दी थी, ये आपका होमवर्क था जिसने में से शायद किसी ने नहीं किया इसलिए आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, आगे जो अब हमें पढ़ना है सिग्नल में भेजा था कल। हाँ, हमारे पास व्हाट्सएप पे आए थे दो चार लोग के, मैं अभी नाम तो रिमेम्बर नहीं है। आप लोग अभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इफ यू वॉन्ट, यू कैन सेंड योर मैसेज इन व्हाट्सएप नाउ ऑल्सो। ओके मेरे पास आया तो था होमवर्क किसी का। ओके सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो हमें पढ़ना है वो एक्सेल के बारे में और सारी चीजें पढ़नी है। आई होप कि स्क्रीन सबको विजिबल होगी। यस सर। ओके नाउ अब आपको पेज ब्रेक के बारे में आज पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ने से पहले एक बात आप जान लीजिए, पेज ब्रेक का यूज करते क्यों है। पेज ब्रेक यूज करने का केवल एक रीजन है और वो रीजन है आपका प्रिंट आउट निकालने में। व्हेनेवर यू हैव टू मेक अ प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट तभी और तभी आपको पेज ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है और आप पेज ब्रेक के थ्रू ही किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो बेटा, प्रिंट कर सकते हो। I think now my voice is visible. Yes, sir. Okay. तो हम पढ़ रहे थे पेज ब्रेक के बारे में कि पेज ब्रेक क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। मैंने आपसे ये कहा कि पेज ब्रेक का यूज हम तब करेंगे जब हमें क्या करना हो, हमें पेज का प्रिंट आउट शीट प्रिंट करना है।
प्रिंट करना हो, एक बार तो ये होगी प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, पेज ब्रेक को सेट करना। देखो, टू प्रिंट अ वर्कशीट विद द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस डेट यू वांट, यू कैन एडजस्ट द पेज ब्रेक इन वर्कशीट बिफोर प्रिंटिंग। दिस फीचर इज वेरी यूजफुल स्पेशली व्हेन प्रिंटिंग इज ह्यूज सी। यू कैन यूज पेज ब्रेक व्यू टू सी हाउ अदर चेंजेस। ओके, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसके हाइट को, रो को अलग अलग एंगल से चेंज कर सकते हो। सपोज यदि आपकी एक्सेल एक शीट है, इसमें लॉट्स ऑफ डेटा इधर है, लॉट्स ऑफ डेटा इधर है, लेकिन आप चाहते क्या है कि सारा एक ही जगह पर प्रिंट हो जाए, उसके लिए आप पेज ब्रेक का यूज करते हैं। आज हम क्या करेंगे, इसके बारे में एक वर्कबुक बनाएंगे और उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे पेज ब्रेक के थ्रू। ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट एंड क्रिएट दिस थिंग्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड दिस थिंग। देन हमें पेज ब्रेक कैसे सेट करते हैं इसके बारे में जानना है।
गए, आपके प्रीव्यूज के बारे में बात हो गई, कितने सारे प्रीव्यू हो सकते हैं, अभी आप प्रीव्यू पे हो, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, केवल आपके डाटा ही डाटा आपको देख रहे हैं। यहाँ आप जैसे स्टोर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल विंडो के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास में कस्टम व्यू है जिसमें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। हमने कहा कि हमें क्या देखना है, हमें नेम पहला देखना है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसको आपको ऐड करना है, आप ऐड करके इसको ऐड कर सकते हो, पोस्ट ऐड नेम को ऐड करना है तो आप नेम टैप करके उसको व्यू में आप ऐड कर सकते हो। पेज लेआउट, ये पेज लेआउट है आपका जिसमें आप देख सकते हो कि आप कौन से पेज में कितने डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाले हैं। और इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा डाटा मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए, ओके यस सर। यहाँ पे आप हेडर